सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी A9 Plus 5G टेबलेट। ये टेबलेट दो वेरिएंट में आता है, 4GB 64GB और 8GB 128GB। तो मैंने लिया हूँ 8GB 128GB। 11 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है। इसका साथ में रखा हूँ मैं कीबोर्ड, लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस। ये चेक करके देखूंगा कि ये प्रॉपर तरीके से काम करता है कि नहीं करता है, और इसके लिए मैं चेकिंग के लिए ये रख दिया हूँ। और ये बॉक्स काफ़ी पतला है इसमें, क्योंकि इसमें चार्जर वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ओनली टेबलेट मिलता है। चार्जर आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, मैं एक्स्ट्रा खरीद कर लेके आया। 15 वाट का चार्जर इसमें सपोर्ट करता है। और बॉक्स के अंदर क्या क्या है, इधर मेंशन किया गया है, नेट क्वालिटी, टेबलेट 1 पीस, डाटा केबल 1 पीस और सिम इजेक्टर 1 पीस, मैनुअल यूजर मैनुअल 1 है। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है अगस्त 2024 को, और बाकी सैमसंग का इधर डिटेल्स दिया हुआ है। पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन तो मैं पहले कर दिया था, जिस टाइम फ्लिपकार्ट में मुझे डिलीवर्ड किया उसी टाइम ऑर्डर करके फोटो लेकर इसका प्रूफ लेकर बाद में मुझे दिया। मैं लिया हूँ ये फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसका प्राइस लगभग अभी है 32,990 रुपीज़, इधर 99 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन इसका प्राइस डाउन होकर अभी 19,000 में आ गया है। अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तभी आप इसको 17,000 के आसपास बाई कर सकते हो। मैंने 17,000 में लिया। तो दोस्तों, इसको पहले निकाल लेता हूँ। पहले भी निकाला था, फिर से मैं निकल रहा हूँ। और ये हो गया बॉक्स। बॉक्स को मैं पहले साइड कर देता हूँ। अभी ये आ गया हमारा टेबलेट, और टेबलेट को रख के इस बॉक्स का अंदर क्या क्या है वो पहले देख लेता हूँ। ये आ गया सैमसंग बोल के ब्रांड लिखा हुआ है, छोटा सा बॉक्स दिया है बॉक्स के अंदर में बीचों बीच। ये बॉक्स का अंदर आता है एक Type-C to Type-C डाटा केबल, और ये हो गया पिन सिम इजेक्टर जो ज़रूरत पड़ेगा मुझे, तो इसको साइड में डाल देता हूँ। और इसका अंदर एक आ गया पुस्तक वगैरह कुछ, तो इसको यूजर मैनुअल भी बोलते हैं। सिम ट्रे ट्रक किसे लेकर लगाना है या इधर पे लिखा मेंशन किया गया, बाकी इसका बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। पतला पतला होकर बहुत ही पतला हो जा रहा है, अभी कुछ दिन के बाद शायद ये भी नहीं देगा सैमसंग वाला। और मैं सैमसंग वेरिएंट लिया तो CSP का काम करने के लिए, क्योंकि ये चाइना कंपनी का नहीं है। एक्चुअली मुझे चाइना कंपनी अच्छा नहीं लगता, और किस किस को अच्छा नहीं लगता कमेंट करके जरूर बताना। इस कलर का ऑर्डर किया हो, ये कलर मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ 8GB 128, बाकी इसका डिटेल्स लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसका दो वेरिएंट आता है। एक वेरिएंट हो गया आपका ओनली वाईफाई वाला, जो वाईफाई में ही काम करेगा, सिम ट्रे नहीं होता, उसका प्राइस थोड़ा कम है। और ये हो गया आपका 5G सपोर्ट के साथ, 5G सिम स्लॉट के साथ आता है, इसके लिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा। मेटल बॉडी है और ऊपर में प्लास्टिक का दिया हुआ है ताकि नेटवर्क जो है अच्छा से पकड़ सके। और कैमरा दिया हुआ है, देखिए 8 मेगापिक्सल का बैक साइड में कैमरा है, फ्रंट में दिया हुआ है 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो दोस्तों, इसको ऑन कर लेता हूँ। पहले ही मैं ऑन कर दिया। ऑन करने से पहले मैं दिखा रहा हूँ साइड साइड में क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ऊपर की साइड है पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ पर है एक माइक। नीचे के हिस्से में देखिए दो स्पीकर है, एक माइक है, माइक्रोफोन है, और नीचे की तरफ देखिए सिम स्लॉट है। नीचे की तरफ सिम और 1 TB तक मेमोरी इसमें सपोर्ट होता है। यहाँ पर देखिए 3 पिंग दिया हुआ है, शायद इसका कीबोर्ड जो है इस पे अटैच करके आराम से एज ए लैपटॉप के तरह चला सकते हैं। और इस साइड में दिया हुआ है 2 स्पीकर, टोटली हो गया क्वाड स्पीकर। और एक चीज़ इधर है, हेडफोन जैक भी दिया हुआ है, 3.5mm का हेडफोन जैक। और दोस्तों, इसका कोई भी साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया हुआ है, इसका फेस लॉक है। ये फैसिलिटी मुझे अच्छा लगा। इसका जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। इंडोर में बहुत ही अच्छा से यह काम करेगा, आउटडोर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर धूप रहता है तो तभी उस टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी यह आराम से चल जाएगा। फ्लाइट मोड, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट से भी किसी दूसरे के साथ भी डाटा शेयर कर सकता हूँ, और स्क्रीन रिकॉर्डर भी इधर मिल जाता है। बाद में क्विक शेयर मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, DEX सपोर्ट है, मतलब एज ए लैपटॉप की तरह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्विक स्कैन QR कोड है, और इधर में वाईफाई कॉलिंग भी है। इसका अभी साउंड क्वालिटी टेस्ट करता हूँ, इसका साउंड काफ़ी तगड़ा है।
इसका स्पीकर काफ़ी लाउडली है और इसमें सपोर्ट करता है 1080p, मतलब फुल HD सपोर्ट करेगा। 4K वगैरह वीडियो इसमें चला नहीं सकता हूं मैं, बस नॉर्मली वीडियो नॉर्मली काम आराम से चल जाएगा ये। फिर भी बहुत बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलरिंग वगैरह बहुत ही क्लियर एंड नीट आता है। इसका डिटेल्स में जाता हूँ, पहले इसका प्राइस देख लेता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। ये देखिए 19,999 रुपये इसका अभी प्राइस है, मैं भी इतना ही प्राइस में लिया, बट मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, 3,000 मुझे डिस्काउंट करके 17,000 में मिला। और इसका दो वेरिएंट आता है, ये वेरिएंट आपको ओनली वाईफाई में मिलेगा, तो इसका भी कार्ड डिस्काउंट है, ये 4,000 रुपये डिस्काउंट है। देखिए क्रेडिट कार्ड अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये लेने के लिए लेता तो 4,000 डिस्काउंट, मतलब 11,749 रुपये में मुझे मिल जाता है ये। लेकिन मुझे चाहिए सिम स्लॉट सपोर्ट वाला, इसके लिए मुझे 17,000 देना पड़ा। अभी इसका जो है डिटेल्स चेक करता हूँ, जो मैं लिया मैं देख लेता हूँ। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी टैप A9+ 11 इंची का डिस्प्ले के साथ आता है, और इधर में 8GB 128GB ये डिस्प्ले आता है, WKXGA डिस्प्ले, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है ये। और एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, बैटरी आता है 7400 mAh लिथियम बैटरी। ये गेमिंग रीडिंग एंड ब्राउजिंग फॉर किड और बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, वॉइस कॉलिंग सपोर्टेड है। इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 695 का है, और इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, मॉडल नेम दिया हुआ है, रीडिंग वगैरह दिया हुआ है, कलर ग्राफिक दिया हुआ है, कनेक्टिविटी दिया हुआ है यानी। और इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है 4G 5G LTE, GSM सिम दोनों ही सपोर्ट करेगा। टैबलेट USB पिन ये वगैरह मिलता है, पहले में बता चुका हूँ। और इसमें एक मेंशन किया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन मुझे किधर भी साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ कहाँ का है, ये भाइट नाम जगह का है। इसको कॉलिंग टेस्ट करता हूँ, इसमें सिम डाल दिया हूँ, जब कॉल करता हूँ तो इस तरीके का आता है। इसमें देखिए इसमें पूरा लाउड ही जाएगा। हेलो, हाँ सासा कैसा है, आवाज कैसा आ रहा है? आवाज ठीक ही आ रहा है। टेबलेट से फोन किया? टेबलेट हाँ क्या, हाँ चेक, वही माइक टेस्ट कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कॉल किया। दोस्तों मैं अगर टेबलेट से कॉल किया तो इसको हेडफोन लगाकर ही बात करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया वाले सुन लेगा। अभी बारी है दोस्तों कीबोर्ड और माउस काम करता है कि नहीं। और दोस्तों ये जो टेबलेट के साथ में कनेक्ट कर दिया, इसमें अगर कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर लाइट आएगा, मतलब लाइट आ गया दोस्तों, मतलब कनेक्ट हो गया, जो लैपटॉप की तरह ये यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है माउस भी मेरा, SANKAR। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब मैं इसको एक लैपटॉप की तरह प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कोई भी कीबोर्ड इस पर चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नया एक टॉपिक और वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।